जी अगला सवाल इलाज नहीं लिवर सिरोसिस हिमांशु का है, वो अपने ताऊ जी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। 11 साल से उनके ताऊ जी के कमर के निचले हिस्से निचला जो हिस्सा है वो पैरालाइज्ड है, क्या ये ठीक हो सकता है? पूरा ठीक हो सकता है हिमांशु जी के लिए। देखो एक तो ऐसे लेटे लेटे कोशिश करें पैरों को ऐसे चलाने की, और लेटे लेटे ही जो हम मरकट आसन आदि बता रहे थे ना, इनको कोशिश करें, दूसरे सहायता करके भी करवा सकते हैं या अभ्यास करें, और अनुलोम विलोम ज़्यादा करें प्राणायाम, न्यूरोग्रिट खाली पेट अश्वशिला और त्रयोदशांग गुग्गल खाने के बाद ले लें, एकदम से पैरालिसिस में फायदा होना शुरू हो जाएगा। एक वीक में ही, एक से दो महीने में वापस उनकी टांग काम करना शुरू कर देंगी। यदि वो थोड़े दिन तक सब काम छोड़ करके, क्योंकि जब कमर से नीचे पैरालिसिस हो जाता है तो आदमी बेड रिडन हो जाता है या व्हील चेयर पर आ जाता है, तो जो भी दो चार घंटे उनको काम करना हो तो कर लें, बाकी शेष समय पूरा अनुलोम विलोम करें, और वो एक दो महीने में चलने ही नहीं लगेंगे, दौड़ने लग जाएंगे और दौड़ करके हरिद्वार तक पहुंच जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। तो हिमांशु जी कोई चिंता ना करें, ये अभ्यास कर लिया करें। स्वामी जी अब वक्त हो गया है कि हम थोड़ी सी अब ये बातें कर लें योगाभ्यास और सवालों के बाद, कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आज आप क्या बताने वाले हैं, खाने पीने में क्या ख्याल करना है, खाने की थाली कैसी होनी चाहिए। तो स्वामी जी आज क्या बन रहा है? हमने ये पालक, खीरा और इसके अंदर एप्पल मिला दिया। अब ये इतना टेस्टी बन जाता है ये जूस, और इसमें थोड़ा सा किसी को और टेस्टी बनाना है तो थोड़ा नींबू डाल करके भी ले सकते हैं। अब ये ऐसे ऐसी चीजें लोग भूल गए थे, हमने किसी का तो उधर बैठे बैठे भी मन कर रहा है आ जाओ इधर आ जाओ जिसको पीना। तो देखो अब मैंने बोला तुलसी पे, तुलसी को, अब ये तुलसी घर घर में होने लग गई, इधर से आई तुलसी घर घर में है, और ये तुलसी इसमें थोड़ा अदरक डाल देते हैं या थोड़ी हल्दी डाल देते हैं, अदरक तुलसी और जिंजर, इसकी तो चाय इतनी जबरदस्त बनती है, ये इससे बेहतर कुछ चाय नहीं हो सकती, इससे सर्दी भी दूर हो जाती है, नहीं तो सर्दी के लिए शिलाजीत खाओ, केसर खाओ, बहुत तरह के कार्यक्रम रचने पड़ते हैं। तो बहन जी आप तो ये पीजिए, और इन भाई साहब को ये चाय पिला रहा हूँ, तुलसी और अदरक वाली चाय, और जिंजर की टी, और इसमें यदि रेडीमेड जो है ये हमने शिला तुलसी भी बना रखी है, इसको 5 बूंद डालो और इसको पी लो ऐसे। तो ये मैं पूजा प्रिया और हुसैन के लिए वहां पर भी इंडिया टीम में भिजवा देता हूं। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है, सर्दी भी नहीं लगती है, कफ कोल्ड भी नहीं होता है, फुल ऑफ एनर्जी रहती है। बहुत बहुत प्रणाम, कल सुबह 7:56 पर। प्रणाम स्वामी जी।